Or tequila? Oh, tequila. Roger! Should be taught to read it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरलैंड। तो मैं आपके लिए फिर से हैंडमेड टेल सीजन 2 के एपिसोड को लेकर आया हूँ, जिसमें हम इस सीरीज के एपिसोड 13 को देखेंगे। और इस सीजन के 12 एपिसोड को मैं पहले 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, अब वहाँ पर जाकर पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा। तो अब आइए आगे चलते हैं। वेट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आप और मैं हम सभी लोग हॉरर फैंस तो है ही, और साथ ही साथ मैं सुपर हीरोज मूवी को भी बहुत पसंद करता हूँ। तो रेड वुल्फ आपके लिए लेकर आए हैं आपके फेवरेट सुपर हीरोज की मर्चेंडाइज, जो कि आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। रेड वुल्फ पर DC, मार्वल, एनिमी सब कुछ अवेलेबल है। और तो और सिर्फ क्लोदिंग ही नहीं, मास्क, मोबाइल एक्सेसरीज सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने तो अपना फेवरेट टोनी स्टार्क की टी शर्ट ऑर्डर कर दी है, और आप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर अपने फेवरेट सुपर हीरो प्रोडक्ट को जरूर ऑर्डर करें। एक घर में ही रहने के बाद एक हैंडमेड केस से अपनी बेबी से मिलने के लिए तड़पती है, और कोई हैंडमेड के अंदर क्या इतनी हिम्मत बची है कि वो गलियत देश से निकल पाए, ये हमें आज की इस कहानी में पता चले। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 13 शुरू होता है जून और नीना से, जो कि एडना की मौत के बाद उसके कपड़े धोकर उनको पैक कर रही थी। नीना को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने कभी भी एडना से सही तरीके से बात नहीं की थी, और उसे कभी भी नहीं समझाया था, और ना ही उसे सही रास्ता दिखाया था। वो अगर चाहती तो एडना की मदद कर सकती थी। फिर यहाँ पर जून भी नीना को बोल देती है कि उसने भी एडना के साथ में कुछ भी अच्छा नहीं किया है, वो भी तो एडना के पति निक के साथ में इंटीमेट हुई थी। और ये जानकर नीना जून से कुछ नहीं कहती है। जून को एडना की चीजों के बीच में होली बाइबल मिलती है, और औरतों को वहाँ पर बुक पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी एडना ने बाइबल को अपने साथ में रखा हुआ था। जून बाइबल ले जाकर सेरेना को दिखाती है, और गलियट में जो भी रूल्स बनाए गए थे वो गॉड ने नहीं बल्कि अथॉरिटीज ने बनाए थे। और अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो एडना ने कोई भी पाप नहीं किया था, उसने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया था जिससे कि उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। जून सेरेना से जानना चाहती थी कि वो कैसे बेबी को अथॉरिटी से सेव रखेगी, उसको कैसे हिम्मत वाली कॉन्फिडेंट सेरेना ऐसा बोल तो सकती थी कि वो उनके बेबी को गॉड के कहे अनुसार बाइबल के मुताबिक चलने को कहेगी। लेकिन जब गलियट में औरतों को बुक पढ़ने के लिए ही मना किया गया है, तो बेबी गर्ल कैसे कुछ पढ़ पाएगी। और दूसरों की तरह जून की बेटी का भी फ्यूचर शायद इसी नरक में तड़प तड़प कर खत्म होगा। अब उसी दिन उनके घर पर एडना के फादर आते हैं, जो कि निक से माफी मांगते हैं जो कुछ भी एडना ने किया था। सेरेना यहाँ पर एडना की अच्छाई उसके काइंडनेस के बारे में बात कर रही थी, लेकिन फेड और एडना के फादर बस एडना की बुरी बातों को ही डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार उसने बहुत ही बड़ा पाप किया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गलियट देश में किसी की भी बेटी पर किसी माँ बाप का कोई हक नहीं होता है। टीनेज बेटी को अथॉरिटीज अपने साथ में ले जाकर कभी भी किसी के साथ में शादी करा देती है, जिस तरह एडना की बहन को अब किसी के साथ में भी शादी करवाने के लिए ले जाया गया। ये सब सुनकर जून और सेरेना भी हैरान थे, और वे अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए परेशान भी थे। जून तो फ्रेड से पूछ ही लेती है कि जब अथॉरिटीज उसकी बेटी को लेने आएंगे तब वो क्या करेगा। और ये सवाल सुनकर फ्रेड जून को थप्पड़ मारता है, और उसको अपने हद में रहने को कहता है। जून भी इस बार अपनी बेटी के लिए चुप नहीं रहती है, और वो उल्टा फ्रेड को ये थप्पड़ लगा देती है। यहाँ पर फ्रेड उसे याद दिलाता है कि औरतों को रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा, चाहे वो बेटी हो, वाइफ हो, या फिर कोई हैंडमेड। अब रात को पहली बार निक ने अपनी बेटी को गोद में लिया था, और थोड़ा टाइम से ही जून और निक अपनी बेटी को गोद में लेकर बहुत खुश थे। अपनी बेटी के साथ में उनको थोड़ा सा खुशी का समय देने के लिए नीना उनको रूम में अकेले छोड़ देती है। फिर अगले दिन एडना और आइजेक की डेड बॉडी को पब्लिकली लटका दिया जाता है, ताकि लोगों के मन में डर बना रहे। फिर जून हैना और ग्लेना को बता देती है कि एडना के पास में एक बाइबल थी, और 15 साल की लड़की में उनसे ज्यादा हिम्मत थी कि वो अपने साथ में बाइबल रख पाए। और वे सभी अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली को मिस कर रही थी। अब रात होती है, और रात को ग्लेनोवा का सेक्स सेरेमनी था, और वो ये सब घिनौना काम और नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए वो एक छोटे से नाइफ को अपने पास में छुपा लेती है। गलियट में मॉडर्न सॉन्ग को सुनना रूल के खिलाफ था, लेकिन मिस्टर लॉरेंस वही सब गाने सुन रहे थे। लेकिन यहाँ पर मिस्टर लॉरेंस सेक्स सेरेमनी पर ग्लेनोवा के साथ में इंटीमेट नहीं होते हैं, जो बात ग्लेनोवा को अजीब लगती है। अब अगले दिन सेरेना अथॉरिटीज के सामने अपनी बात रखने जाती है, और फ्रेड भी वहीं पर मौजूद था। और रूल के हिसाब से
कोई भी अपनी बात को अथॉरिटीज के सामने रख सकता था। सेरेना के साथ में यहाँ पर वाइफ्स आती है अपनी बेटियों के हक के बारे में बात करने के लिए। जून और बाकी की वाइफ्स यहाँ पर यही कहना चाहती थी उनकी बेटियों को फ्यूचर में पढ़ने की परमिशन मिले और यह हक उनको खुद गॉड ने दिया है, तो हम कौन होते हैं उनसे वो हक छीनने के लिए। अथॉरिटीज जून की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और तब जून बाइबल में लिखी कुछ लाइन पढ़ती है। जून को बुक पढ़ता देखकर सभी हैरान थे और बाकी वाइफ्स डर के मारे वहाँ से बाहर चली जाती है। सिर्फ जून ही अपनी बेटी का फ्यूचर अच्छा करने के लिए वहाँ पर अकेले खड़ी होकर बाइबल को पढ़ती है। सेरेना की इस हरकत से फ्रेड बहुत परेशान हो चुका था। अब बाहर सेरेना को सभी औरतें यही बोल रही थी कि उसने बुक पढ़कर अच्छा नहीं किया है और इसकी उसे बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, पर वो बेटियों की पढ़ाई के फैसले के बारे में कुछ नहीं कहता है, कुछ भी बातें नहीं करता है, बस ये अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए किया था। लेकिन फ्रेड को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल्स आर रूल्स, उसे बस रूल्स से मतलब था। सेरेना को दो आर्मी मैन अपने साथ सजा देने के लिए जाते हैं और फ्रेड सेरेना की मदद नहीं करता है। अब इस तरफ एरिका ग्लेनोवा से उसके फर्स्ट सेक्स सेरेमनी के बारे में बात करने आई थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि रात को ग्लेनोवा के साथ में इंटीमेट न होने पर भी मिस्टर लॉरेंस ने एरिका को बताया था कि कल की सेक्स सेरेमनी बहुत ही अच्छी गई। एरिका यहाँ पर ग्लेनोवा के लेस्बियन होने की बात पर उसको नीचा दिखा रही थी। ग्लेनोवा भी इस बात से तंग आकर उसी नाइफ से एरिका पर अटैक कर देती है और उसे सीढ़ियों के नीचे धकेल देती है, जिससे कि एरिका बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई थी। ग्लेनोवा फिर से एरिका के पास में आकर उसको पीटती है और तभी वहाँ पर उस घर की मेड रीटा आती है और ग्लेनोवा को रूम में बांधकर मिस्टर लॉरेंस को एरिका के बारे में बताती है। यहाँ पर ग्लेनोवा अपना गुस्सा निकालकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। और दूसरी तरफ सेरेना घर पर आती है और बुक पढ़कर रूल तोड़ने की वजह से सजा के तौर पर सेरेना की एक उंगली काट दी गई थी। अपनी बेटी का अच्छा फ्यूचर करने की चाह में सेरेना को यह सजा दी थी और फिर जून उसे संभालती है। जून फ्रेड से भी नाराज थी कि उसने अपनी ही वाइफ के साथ में ऐसा कैसे होने दिया, पर फ्रेड के मुताबिक रूल्स याद दिलाने के लिए सेरेना को यह सजा मिलना जरूरी थी। दूसरी तरफ ग्लेनोवा को भी पता था कि उसने जो एरिका के साथ में किया है उसकी उसे बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। और रात को मिस्टर लॉरेंस कार में ग्लेनोवा को कहीं पर ले जाने लगते हैं। अब इस तरफ जून देखते हैं कि पास के एक घर में आग लगी है और सभी लोग आग बुझाने में बिजी हो चुके हैं। तभी जून के पास में नीना आकर उसको इसी मौके का फायदा उठाकर बेबी को लेकर किचन के पीछे के रास्ते से भागने को कहती है और जून अपना जरूरी सामान लेकर बेबी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। निक भी जाने से पहले जून को वहाँ से निकलने का इशारा करता है। और नीना एडना के साथ तो नहीं दे पाई थी, पर उसने जून को अपने बेबी के साथ में रहने का एक मौका दिया ताकि अपने बेबी पर सिर्फ जून का ही हक हो। अब तक फ्रेड और सेरेना को इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर नीना का बिहेवियर देखकर फ्रेड समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वो घर जाकर देखता है तो बेबी और जून दोनों गायब थे और फ्रेड उनको ढूंढने जाने वाला था। लेकिन निक बाहर खतरा है बोलकर फ्रेड को रोक लेता है। जून वहां से भागी रही थी कि तभी सेरेना उसे रोक लेती है और बेबी को उसे छीनने लगती है। जून उसे समझाती है कि उनकी बेबी यहाँ पर बड़ी नहीं हो सकती है और यहाँ पर उसकी भी हालत एडना और उनकी तरह होगी। बेबी के भलाई के लिए सेरेना भी जून को वहाँ से बेबी को ले जाने देती है और एक आखिरी बार सेरेना बेबी को प्यार से गले लगाती है, क्योंकि कुछ दिनों के लिए ही सही सेरेना किसी की माँ तो बन पाई थी और उसने एक माँ होने का पूरा फर्ज अदा किया था। अब थोड़ा थोड़ा रास्ते तक कई सारी मेड्स ने जून को आगे बढ़ने में मदद की थी और आर्मी और अथॉरिटी से बचते हुए जून टनल के पास एक खेत तक पहुंच चुकी थी। एक मेड जून को वहीं पर रुकने को कहती है और जून को वहां पर एलिजाबेथ की याद भी आ रही थी कि शायद आज वो तो यहां से निकल जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ तो अभी भी गलियट में रहेगी। फिर कुछ देर बाद टनल में एक गाड़ी आकर रुकती है जहाँ पर से ग्लेनोवा निकलती है और जून के पास में आती है। मिस्टर लॉरेंस असल में उनकी मदद कर रहे थे और वो चाहते थे कि हैंडमेड्स आजाद होकर अपनी जिंदगी जिए। तभी उसके पास में एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है और ग्लेनोवा वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। जून अपने बेबी को ग्लेनोवा के हाथ में दे देती है, लेकिन वो खुद गलियट से बाहर नहीं जाती है क्योंकि उसे अपनी दूसरी बेटी एलिजाबेथ को भी वहाँ से निकालना था और ग्लेनोवा अकेले ही वहाँ से निकल जाती है। सीजन 2 का एपिसोड 13 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, एपिसोड 13 सीजन 2 का लास्ट एपिसोड था जहाँ पर हमने देखा कि किसी भी माँ बाप का अपनी बेटी पर कोई भी हक नहीं था और एक न एक दिन उनकी बेटियों को बच्चा पैदा करवाने के लिए लाया जाएगा। उनके पास न पढ़ने का हक होगा न ही खुले में जीने का। और अपनी बेटी के हक के लिए सेना ने लड़ना तो चाहा, पर वहाँ भी उसकी उंगलियां काट दी गई। दूसरी तरफ मिस्टर लॉरेंस जैसा कुछ ऐसे अमीर लोग भी है जो कि हैंडमेड्स की मदद करना चाहते हैं। और सीजन 2 के पूरे एपिसोड में हमने देखा कि हैंडमेड्स ने जब पहली बार अपने हक की आवाज उठानी चाहिए तो उनको मौत का डर दिखाकर डराया गया
और किसी का हाथ चलाया गया तो किसी की जुबान काट दी गई। जून ने गलियट से भागने की कोशिश तो की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई थी। शादी करने का भी हक नहीं था, जैसे कि निक के लिए अथॉरिटीज ने एडना को चुना था शादी करने के लिए। भले दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हों, एडना और आइजेक जब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे तो उन्हें मौत की सजा सुना दी गई थी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि सजा मिली हैंडमेड्स को किस तरह पॉइजन वाली जगह पर काम करने में लगा दिया जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने के कारण वे मारी जाती है। इस सीजन में हमने ये भी देखा कि बाकी की दुनिया भी हैंडमेड की स्टोरी को जान गई थी, जिससे कि पूरी दुनिया अब गलियट से नफरत करने लगी थी। जून ने अपने बेबी को तो वहां से निकाल लिया लेकिन एलिजाबेथ के लिए वो वहां पर रुक गई थी। और अब सीजन 3 में हम देखेंगे कि जून किस तरह फाइट बैक करेगी और यहाँ पर हैंडमेड की कहानियां और कितनी ज्यादा दर्दनाक होती जाएगी और क्या गलियट कभी आजाद हो पाएगा, यही हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हैंडमेड टेल का सीजन 2 पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं इसका अगला सीजन भी आपके लिए लेकर आऊं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो।